आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक सच्चे ईश्वर भक्ति का क्या पैमाना है एवं वे एक सच्चा ईश्वर भक्त किसे मानते हैं एवं स्वामी विवेकानंद स्वयं आस्तिक थे या नास्तिक, वे ईश्वर पर भरोसा करते थे या नहीं। तो जैसा कि हम सभी एक प्राचीन घटना से परिचित हैं, जब स्वामी विवेकानंद के बचपन का समय था और अपने पिताजी के देहांत के पश्चात जब वे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माँ काली से सांसारिक वस्तु, सांसारिक सुख सुविधा दिलवा दीजिए, और जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से अर्थात बालक नरेंद्र से कहते हैं कि जाओ तुम ही स्वयं मांग लो, और जब स्वामी विवेकानंद माँ काली के पास जाते हैं तो वे कहते हैं माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। और इस बात से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद ईश्वर के एक सच्चे भक्त थे, ईश्वर को मानने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे, हम सभी जानते ही हैं अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का लेक्चर बड़ा ही अद्भुत रहा। उन्होंने विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप समस्त विश्व के लोगों के समक्ष रखा। तो जब वो अमेरिका से लौटते हैं और कोलंबो से अल्मोड़ा तक की यात्रा के दौरान जब वो विभिन्न व्याख्यान देते हैं, इसी क्रम में उनका एक व्याख्यान विवेकानंद साहित्य के खंड 5 में वर्णित है। उसमें भक्ति पर मार्गदर्शन करते हुए वे कहते हैं एक सच्चा ईश्वर भक्त वही हो सकता है जो ईश्वर की अहेतु की भक्ति करे। अर्थात वे कहते हैं कि किसी भय या प्रलोभन से किसी मनुष्य में भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो बिना किसी कामना के, किसी इच्छा के रहित, किसी चाहत के बिना ईश्वर की भक्ति करे वही एक सच्चा भक्त हो सकता है। जो केवल ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करो, स्वामी विवेकानंद के अनुसार वही एक सच्चा ईश्वर भक्त हो सकता है।